तो देश के भाग में आज काळजाळ गर्मी प्रकोप है। उत्तर भारत के शहर में तापमान 45 डिग्री नोंधाय। राजस्थान चूरू में तापमान पारो 47 डिग्री पर पहुंचो। कोरोना संकट वच्चे काळझाळ गर्मीए लोकोनी मुश्केली वधारी छे। उत्तर भारतना केटलाय भागमां तापमान 45 डिग्रीए पहोंचता हवामान विभागे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अने राजस्थानमां आगामी बे दिवस रेड एलर्ट जाहेर कर्युं छे। हवामान विभागे आगाही करी छे कि आगामी बे त्रण दिवसमां केटलाक भागमां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहोंची शके छे। राजस्थान चूरूमा सौथी वधु 47 डिग्री तापमान नोंधवामां आव्युं। हवामान विभागनी आगाही मुजब गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, उत्तर कर्नाटकना केटलाक विस्तारोमां आगामी 2-3 दिवस सुधी लूनो प्रकोप जोवा मळी शके छे। मे महिनानुं छेल्लुं अठवाडियुं चाली रह्युं छे, जो कि भारतना केटलाय भागोमां प्री मॉन्सून वरसाद थई शके छे, जेना कारणे अत्यार सुधी लू लागवानी शरूआत नहोती थई। हवे पारो वधवानी साथे लूनो प्रकोप पण शरू थई गयो छे। आगामी 5 दिवस सुधी उत्तर भारत में खास करीने राजस्थान में गर्मी में राहतना कोई अणसार नहीं। हवामान विभाग मुजब मध्यप्रदेश और राजस्थान में लू नो प्रकोप जोवा मळी शके छे। उत्तर प्रदेश में पण गरम हवाओ चालशे। कोरोनाना कारणे गर्मी में पण फ्रीजनुं ठंडू पाणी पीवानुं टाळी रह्या छे। लोको माटलाना पाणीने आ समय में श्रेष्ठ मानी रह्या छे। वर्तमान में सभी की सोच को बदल के रख दिया है। लोग चाहे भय के मारे चाहे किसी भी वजह से वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। वर्तमान में यही निर्देश मिले रहे हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है, इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए, वापस पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं वही हमारे लिए सही है। तो गर्मी नो पारो दिन प्रतिदिन आग वरसावी रह्यो छे। गर्मी थी बचवा इंद्रोडा प्राणी संग्रहालय में प्राणियों की पण दरकार करवामां आवी रही छे। खास करी प्राणियों माटे कूलर नो उपयोग करवामां आव्यो छे। तो क्यांक नेट की जाळी बांधी पानी नो छटकाव थई रह्यो छे। आ मांसाहारी प्राणियों माटे स्प्रिंकलर अने फुगर ना छटकाव थी गर्मी थी तेमने राहत मळी तेवी व्यवस्था करवामां आवी छे। फुगर ने स्प्रिंकलर ना छटकाव थकी पर्यावरणीय तापमान में 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नो घटाडो थाय छे। उपरांत प्राणियों पीवाना पानी में पण रिहाइड्रेशन माटेनी सप्लिमेंट उमेरवामां आवे छे, जेथी प्राणियों खोराकनी समतुला जळवाई रहे। आ प्रकारनी कामगीरीथी प्राणियों स्वास्थ्यनुं ध्यान राखवामां आवी रह्युं छे। ગરમીનો પારો દિવસે ને દિવસે વધી રહેલો છે, ત્યારે આ ગરમીને પારાની અસર એ પ્રાણી સંગ્રહાલયના જે પ્રાણીઓ છે તેની ઉપર પણ થઈ રહેલી છે। હાલ આપણે છીએ રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરના ઇન્દ્રોડા પાર્કની અંદર, અને અહીં આ જે પ્રાણીઓ છે તેમને ગરમીથી બચાવવા માટે કૂલર એ ગોઠવવામાં આવેલા છે। પાણીનો જે છંટકાવ છે તે પણ કરવામાં આવી રહેલો છે। જે રીતે તમે દ્રશ્યો જોઈ રહેલા છો, આ સિંહની પેર છે, અને ગરમી થી બચાવવા માટે વન વિભાગના જે કર્મચારીઓ છે તે પાણીનો છંટકાવ કરી રહેલા છે, કુલર ગોઠવેલું છે અને સ્પ્રિંકલર પણ ગોઠવેલું છે। સાથે જ જે સેનિટાઇઝેશનની જે પ્રક્રિયા છે તે પણ બહાર કરવામાં આવી રહેલ છે, કારણ કે પ્રાણીઓમાં પણ કોરોના વાયરસ એ ન ફેલાય, લોકો અહીં આવે તેમનામાં ન ફેલાય, તે માટે જે સેનિટાઇઝેશનની જે પ્રક્રિયા છે તે પણ સંપૂર્ણ હાથ ધરવામાં આવેલી છે, અને તમામ કર્મચારીઓ એ માસ્ક સાથે હાલ પોતાનું જે કામ છે તે કરી રહેલા છે, અને પ્રાણીઓને હાલ જે ગરમીથી રક્ષણ છે તે આપી રહેલા છે। કેમેરામેન ગિરીશ સોલંકી સાથે મયુર માકડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર।